टिपर जो लोड करिए लेंदे सवेरे शामी काम चलता इधरू नहीं नहीं शामी नहीं है ये चलता है सवेरे छे सत तू बाद शामी पांच छे बजे तक करिए दिन ही राती नहीं आते नजर आंदी जिल्ले एक पत्रकार बंदा पहले खबर लांदा हां तेलका मचींदा ई माई फलाने बंदे ने ये कीता ई माई उकड़े डिपार्टमेंट च इयां ई माई माइनिंग डिपार्टमेंट ई माई फलाना डिपार्टमेंट वो मी अजकल ये नहीं समझ आंदी एक खबर लाओ दूए दे मुंडे चढ़ा बड़ा एक रियलिटी जिहड़ी कड़ोंदी ना वो रियलिटी गवर्नमेंट दी है ना जगह ते गवर्नमेंट दी के ना परमिशन दा नहीं नहीं इधरू अगे भी टिपर जो लोड करिए लेंदे सवेरे शामी काम चलता इधरू नहीं नहीं शामी नहीं है ये चलता है सवेरे छे सत तू बाद शामी पांच छे बजे तक करिए दिन ही राती नहीं आते के गाड़ियों के पीछे नंबर्स भी नहीं है। जब ये गाड़ियां रोड पे खुलेआम चलती हैं तो हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, नीचे से लेके ऊपर तक का जो तबका है सारे का सारा जो है मिला हुआ है। उन्हें पता उन्हें करना गया उन्हें वो मैं कल सुनाया आज थोड़ी खबर लगनी कल डबल जिधरों तुसे एक कीती है कैरेज कीती है दी मलवा चुके है ते उधरों तुसे पर्ची नहीं मिली सर पर्ची तो जाट मोड़ कर देना अच्छा जाट मोड़ कर दे ए ब्लॉक ए ब्लॉक है इधरों समान चुके सर दे दूसर मैडम जी आखिर पता नहीं अच्छा तू ते देखो जी किने पैसे दे, देने अगर तो पर्ची किने ही दिन देना किस्मत चंगी माड़ी किस्मत चंगी बाकी चंगी अस किट्ठे आए ग्रुप बनाइए कदे तुस कल्ले आइए दस्सो मिगी लगदा रबी खजूरी इत्थों वापस जाई सकदी सारी दुनिया पता इत्थे अग्गे राती जाओ ट्रैक्टर आले अग्गे जां ट्राली आले अग्गे इक मिंट बनांदे टायर ब्रेक नमस्कार दोस्तों, चुके हो आप दैनिक सेट समाचार के साथ और इस वक्त हम आपको लेके आए हैं पंजग्राई अखनूर, एक ऐसा एरिया जहां पे आज हम देख रहे हैं ये खड है और खड के बीचों बीच इनलीगल तरीके से जो माइनिंग है वो की जा रही है। यहां पे तो जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि हम लोग ब्लॉक वाइज ही जो है ये काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके नजारा कुछ और ही देखने को मिला। सामने आपको लाइव दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं, कुछ रास्ते में चलते हुए भी हमने ट्रैक्टर जो है उनको भी शूट किया है। लेकिन आपको बता दें अभी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद तुरंत यहां से जो लेबर लगाएगी बेलचा, आप देख सकते हो यहां पे बेलचे जो है वो सामने यहां पे पड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कि लोड आधी ट्राली जो है अभी लोड ही हुई थी और उनको पता चल गया कि मीडिया जो है यहां पे आ रहे हैं। हम किसी सोर्सेस के थ्रू अपने सूत्रों के हवाले से इस एरिया तक पहुंचे हैं और आपको बता दें इन ट्रैक्टर्स में घूम के बताएंगे, इन ट्रैक्टर्स में आपको नंबर जो है वो भी नहीं दिखाई देगा। ये सामने लाइव दृश्य जो है अभी हम आपको पंजग्राई खड के वो दिखा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इनलीगल तरीके से ये जो माइनिंग है वो की गई है। एक ट्रक जो है ये आप देख सकते हो, ये नंबर है कुछ मोबाइल नंबर लिखा हुआ ट्रक 9419155872। मैं मेंशन फिर कर रही हूँ 9419155872, ये ट्रक नंबर है और ये रेता जो है पंजग्राई खड। यहां से देख सकते हो पीछे से भी दिखाने इस ट्रक पे कोई भी नंबर प्लेट जो है वो नहीं लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये आता है मीडिया के यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले तो ये बता दें
कि जो लेबर लगी हुई थी, जो टिप्पर ट्राली वाले हैं वो यहाँ से गायब हैं, और जो लोग यहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व होकर रसूखदार लोगों के साथ मिलकर ये इलीगल तरीके से माइनिंग करवा रहे हैं, अभी वो भी यहाँ से फरार हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया सवाल करने वाली थी। इलीगल तरीके से माइनिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि नहीं हो रही। ये हम अखनूर की कुछ लाइव दृश्य जो है आपके सामने दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज नहीं, काफी समय से हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट को ऊपर सवाल, एक प्रश्न जो है वो करते हैं। इसमें गरीब लोग जिनको रोड का चौड़ीकरण, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स या फिर लोगों के घर, ये तो उन्होंने बनाने ही हैं माइनिंग डिपार्टमेंट ने, क्यों रोक लगा रखी थी ये तो अलग बात है, लेकिन आज भी हम सवाल वही करेंगे। अगर आपने इनलीगल माइनिंग के लिए रोक है, फिर ये यहाँ से आपको पंजग्राई खड्ड से ये क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ये ट्रैक्टर की कुछ छवियां मैंने आपको दिखा दी, हमने रास्ते में पकड़ा है। एक ट्रैक्टर जो है वो हमारे पीछे सीधा आप देख सकते हो वहां पे खड़ा है। हम जूम करके बताएंगे थोड़ा आपको कि आप देख सकते हो इस खड्ड की ऐसी हालत हो चुकी है कि हमें लगभग, मैं आपको बता दूं, 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी पीछे रख के आना पड़ा, क्योंकि रास्ता इतना खराब किया गया था। यहां से मिट्टी निकाल निकाल के, रेता निकाल निकाल के इनलीगल तरीके से बाहर जो है वो सेल किया जा रहा है। लेकिन अब बात ये आती है, ट्रॉली वालों से जब हमारी बात होती है तो वो ट्रॉली वाले ये बोलते हैं कि मैडम हम लोगों से रॉयल्टी जो कटती है वो ब्लॉक की कटती है, लेकिन रेता हम लोग यहाँ से उठाते हैं। ये एक बड़ा सनसना जो है सवाल है कि जब रॉयल्टी कटती है वो आपकी ब्लॉक की कटती है, लेकिन ब्लॉक में रेता है ही नहीं, क्योंकि इस दौरान बारिश तो आई नहीं, वहां पर रेता जो है वो खत्म हो चुका है। इसीलिए इनलीगल तरीके से जहां इसको, इस ब्लॉक, इसको ब्लॉक नहीं दिया गया, यहां से परमिशन नहीं है कि इस खड्ड से जो है मिट्टी या फिर रेता या फिर बजरी जो है यहां से उठाई जाए, लेकिन लोकल लोगों जो होते हैं, कुछ रसूखदार लोगों से मिलकर यहां से इनलीगल तरीके से माइनिंग करवा रहे हैं, और पर्ची जो है वो इनकी जो रॉयल्टी जो है वो ब्लॉक की कटी जा रही है। हम सीधी बात कुछ लोगों से करेंगे, कुछ लोग यहाँ से अब आपको दिखा दें, वो हमें देख के इस टाइम भाग चुके हैं, वो भाग रहे हैं क्योंकि सवाल और जवाब देने के लिए शायद इनके पास कुछ है नहीं। अगला ट्रॉली यहाँ पे लगी हुई है, कुछ पिक्चर जो है वो हमने आपको बाहर के दृश्य भी दिखाए कि किस तरह से ट्रॉली भाग रही थी या भरी जा रही थी। ये है पंजग्राई खड्ड जहाँ पे इनलीगल तरीके से माइनिंग जो है धड़ल्ले से हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पत्रकार और भी आए हुए हैं, सीधी बात इन्हीं से भी करेंगे। अविनाश जी क्या कहना चाहते हो इनलीगल तरीके से माइनिंग? और देखिए ये मिली भगत है, कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन जो है, अगर माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेशन हो उसकी बात करें, तो ये उनकी मिली भगत के बिना इस तरीके के जो कार्य हैं वो करना असंभव है। जिस तरीके से यहाँ पे माइनिंग हुई है ये साफ साफ ये संकेत देता है, हफ्ता जाता है, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज के जो है पैसे दिए जाते हैं, जिस वजह से आज तक इन लोगों के हौसले देखिए कि इस एरिया को, जो जिस एरिया की परमिशन नहीं है उस जगह से भी धड़ल्ले से जो है यहां पे माइनिंग की गई है। कौन लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं, आपने साफ देखा कि गाड़ियों के पीछे नंबर्स भी नहीं है। जब ये गाड़ियां रोड पे खुलेआम चलती है तो हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? यहां पे ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, नीचे से लेके ऊपर तक का जो तबका है सारे का सारा जो है मिला हुआ है। मैं एलजी महोदय से भी ये दरख्वास्त करूंगा स्टेट समाचार के माध्यम से कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर, जिन ऑफिसर्स की शय के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके से गाड़ियां लीगल तरीके से चला रहे हैं और माइनिंग को सरेआम अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं जो है उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, ये थे अविनाश जी। और हम आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पे जो ट्राली भरने के लिए आते हैं वो भी आप ट्राली जो है अपलोड करते हैं, ये पंचग्राम पहले तो ये ब्लॉक है, ये यहाँ से परमिशन है यहाँ की उठाने? यहाँ पे परमिशन नहीं है मैम, नहीं है परमिशन, फिर भी लोग आ रहे हैं यहाँ से उठा रहे हैं। हाँ, लोकल लोग इधर से उठाते हैं और रेत वगैरह लेके आगे भी जाते हैं बेचने के लिए, पर इस जगह की लेकिन रॉयल्टी तो कटती होगी ना ट्राली जब यहाँ से? रॉयल्टी काटते हैं यहाँ की, रॉयल्टी बिल्कुल काटते हैं, जो डिपार्टमेंट ने अपना एक कमाई का साधन बनाया हुआ है।
अगर कोई भी ट्राली वाला की जो है वो कटती है 600 रुपया राल्टी काटते हैं, 600 रुपया काटते हैं। और लेबर वगैरह चार्जेस लेबर चार्जेस 800 रुपया है और 600 रुपया राल्टी है, 800 रुपया मतलब कि टोटल 1400 रुपया जो है गरीब इंसान जो है वो यहाँ से दे रहा है। लेकिन ये जो यहाँ से माइनिंग हो रही है ये इनलीगल तरीके से हो रही है, इनलीगल तरीके से। आप भी यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ होती है सुबह से, लेकिन क्योंकि आपके भी ट्रक ट्रालियाँ चलती हैं और नहीं 3-4 गाड़ियाँ आती हैं सुबह, आती हैं 4-5 गाड़ियाँ सुबह आती है 4-5 शाम को, और कोई भी नहीं देख रहा है इसको। इसको जो राल्टी कटती है वो इस एरिया की कटती है या ब्लॉक की कटती है? और ब्लॉक की काट के देते हैं, मतलब कि रेता जो है वो यहाँ से उठाया जाता है और राल्टी जो है वो अलग दूसरे ब्लॉक की काट के देते हैं। ये देखिए ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ से इनलीगल तरीके से माइनिंग तो हो ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक जुल्म करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराध जो है वो करते जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक की परमिशन कहीं और की है और रॉयल्टी जो कट रही है वो कहीं और की कट रही है, लेकिन माइनिंग रेता बजरी इस पंजग्राई खड से उठाया जा रहा है। हाँ, हमारे साथ अभी जम्मू परिवर्तन के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो भी शिव विरागी जी भी यहाँ पे हैं। शिव जी, जैसे कि माइनिंग देख रहे हैं कि हम इनलीगल तरीके से यहाँ से उठाई जा रही है, ब्लॉक कहीं और का, रियल्टी कहीं और की कट रही है, माल जो है वो यहाँ से उठाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात जितनी ट्रॉलीज यहाँ से निकल रही हैं उन पे नंबर ही नहीं है। मैडम जी, आ दिन चोर की दाड़ी बच्चे तिनका नंबर लाण गिना नंबर लाते हैं तो पकड़ो ही जाते, ये तुहें भी सनाने की लोड़ नहीं है, तो बली बांती लोगों भी सनाने की लोड़ नहीं है कि किन्ना लिया देन ताड़ी ने लिया देन। मैं तो आखना बदमाशी कन्नै लिया देन, मैं तो आखा बैके कन्नै लिया देन, मैं तो आखा जेबे भरी भरी लिया देन। क्या साढ़े DM नहीं पता? क्या जेडे अखनूर के माइनिंग के अफसर लगे उन्हें नहीं पता? बिल्कुल पता है, करगे कुछ नहीं, की करना नहीं, क्योंकि जल्द जेबा भारी होता है वो बाद सब कुछ हल्का लग पा लग। शर्म की गल है कि अज कुछ गरीबे ने एक कमरा भी बनाना वे 5000 रुपये ट्राली, पिछले दिन कुछ मैं अपने होशे च आखा 1500 रुपये मैं आपू कम लवाया, अज गरीब बंदा तबका रोआ दा, साड़ी सरकारां के करा दी? लोग तो सीधे सीधे सरकारें पर इल्जाम ला देने, भाई तुम्हें मिली भगत है, सरकार के मौजूदा लीडरें पर लगा दा, आखे कि इंदी की अपनी मिली भगत है, इंदी की अपनी पत्ती है, बच्चे किन्ना हथ पाने नहीं। सच्चाई है मैडम जी, ये कोई दो राय नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो लोग आखते ना, जिले अगर कानून चाहे तो बट्टा भी बोलता, सच्चाई बट्टे को भी बुलाई लेंगे, गड़े मुर्दे भी उखाड़ी लेंगे। क्या ये माइनिंग कोई बड़ी 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 चीज नहीं है जी, बंद नहीं कराई सकते मजे कने एक दिन का काम? तो आखने का मतलब है ये पीछे माफिया बैठे था? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भी पता जी, ये आखने जरूरत है, मैं पहले सुनाया आखने जरूरत नहीं है, सारे ही पता खानन माफिया लै सिर चढ़िए बोला था, ताड़ी कने बोला था, साड़ी किस्मत में आखा तुआड़ी किस्मत चंगी है कि ट्राली वाले नठी है, अगर इन्हें पिछुआ शह लभी जी तो मैं तुम्हें इन्नी गरंटी देना बटे बटे सानू लोगों पर भी हमला करना पूरी गरंटी। अस जिले इधर आए हे साढ़े दिल च इे गल ही कि साढ़े पर कोई हमला नहीं, क्योंकि लोग सुनांदे न कि भाई जिले इन्हें रोकने की कोशिश की जा तो इन्हें ब्रेके पर पैर नहीं रखा, पिछुआ आर्डर है कि अस सामी लगे तो उसे अपना काम कड़ी जाना, क्योंकि लसेंस तो है ना, लाइसेंस है मैडम जी, लाइसेंस आम आम आदमी दी जिंदगी इंदे ताई कोई मैटर नहीं करदी, बिल्कुल नहीं करदी, बिल्कुल नहीं करदी। की आखदे हो अज्ज तुस, मतलब कि एरे उपर की कारवाई जेड़ी होनी चाहिए, कियां रोकना चाहिए? देखो बतौर पत्रकार मैं बार बार आखना होना, साढ़े आखने कहने अजकल तो जमाना नहीं रहा, एक जमाना होंगे हरा भी अस निके खबर लाते संज्ञान होंगे, हा खुशी होंगी अपने दिले कि भाई कोई एक्शन होया, तुस रोवो करलावो अपने बाल पुट्ठी लाओ टकरा लाओ, बतौर पत्रकार इतने आम जनता के लोग नहीं सुना दे हैं, साड़ी लोग के सुनी 11000 लोग प्रोटेस्ट करी, क्या इन्हें खनन माफिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं है? किन्ने प्रोटेस्ट होने, तुम्हें भी कवर किए, अभी कवर किए, होया कोई एक्शन? अज के तौर की लोगों सानू आख्या कि भाई अस मौके पर तां पुज्जे, लोग बार बार सानू तंग किया, घट तो घट आओ तुस दिखो, अस आए दिखे ट्राली 2 मिंट बंदे नठी बेलचे इतने ट्रैक्टर इतने, अगर सरकारी नुमाइंदा कोई होंगे क्या ट्रैक्टर सीज होने? बिल्कुल बिल्कुल होने, इंदे पर एक्शन होना? बिल्कुल होना, मगर करना कुन्ने है? यह सवाल अपने जहन में रखो, करना कुन्ने है? बिल्कुल नहीं होना, अज लिखाई लो 5 साल बाद लिखाई लो, क्योंकि फिर जिले अस सरकार पर गल करने तो लोग आखते कि पत्रकार का जो कोई पोलीटिकल धर्म नहीं होना चाहिए, कोई सरकार एक्शन उपर नहीं लैना चाहिए, मगर मैं अस आखना कि सरकार के नुमाइंदे कुत्थन? सरकार बिल्कुल मिली दी है, वो गरीबे की नहीं जीन देना चाहती, क्योंकि गरीब बंदा अगर 2 कमरे अजे टाइम उपर बनाने होना तो मैडम जी लेबर तो लगती लगती रेते का रेट 5000-6000 बिल्कुल, तो ऐसा हालात हो चुके कि गरीब बंदे ये लोन दे 50,000-1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपये का रेता लगी, तुम 50,000 रुपये दें कमरा खड़ा कर लो जी।
ये जिले तक इस चाल की माइनिंग खत्म नहीं हो, चोर बाजारी नहीं खत्म हो, उसे ट्राली जी 5000 दी 1500 ही नहीं पुजो, गरीब बंदा मंगा नहीं पाए जी। बड़ा बड़ा शुक्रिया शिव जी थोड़ा। ये थे हमारे साथ जम्मू परिवर्तन के वरिष्ठ पत्रकार शिव विरागी। मैं आपको बता दूं, ये ट्राली वो है जिसपे ना ही नंबर है, ना ही कोई कोड है, और इस पे तो नंबर नहीं लिखा गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन इतनी इनकी तेज होती है कि हमारा टर्न लेते ही, 15 किलोमीटर टर्न लेते ही इन लोगों को पता लग गया कि मीडिया यहाँ पे पहुंचने वाली है, और ये लोग रफू चक्कर हो गए, यहाँ से भाग गए, बेलचा लेबर्स समेत। कुछ तस्वीरें हमने आपको यहाँ से भागते हुए लेबर्स की भी दिखाई, लेकिन ये ट्राली के मालिक भी यहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि सच में ही ये गैर कानूनी तरीके से, इनलीगल तरीके से ये माइनिंग जो है धड़ल्ले से की जा रही है, और ये कौन लोग करवा रहे हैं सवाल ये निशान आप लोगों पे छोड़ के जाती हूँ। जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, और प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है कि सच को उभारना, सच को आगे लेके जाना, को सामने लेके आते हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, रास्ते की भी बताई, और आपको ये हालत ये देखिए कि किस तरह से ये अपना सामान जो है यहाँ पे छोड़कर, अपनी टिप्पर ट्रालियां यहाँ पे छोड़कर ये रफू चक्कर हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये तरीका तो गलत ही अपना रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक कहीं का है, रेता बजरी कहीं से उठाई जा रही है, रियलिटी किसी और ब्लॉक की कट रही है, और इसमें पिस कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ आम और गरीब जनता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, आखिर सवाल ये निशान इस पे कार्रवाई करेगा कौन। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।